हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एक बेस्ट पार्टीवेयर मेकअप, जो आप लोग ऑफ कोर्स अप्लाई कर सकते हो सूट के साथ, सलवार के साथ, कुर्ती के साथ, इनफैक्ट सारी चीज़ों के साथ में अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एक पार्टीवेयर मेकअप ग्लिटरी आईज़ में, ब्लू शैडो के साथ, आई शैडो के साथ। तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। आप लोग इसको पूरा देखें, अच्छे से देखें, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेलिंग में मैंने ये वीडियो बनाया है, तो आप लोगों को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। और आप लोग ज़रूर मुझे बताएं कि अच्छा है नहीं अच्छा है, तो ये बताने के लिए तो फुल वीडियो वॉच करना पड़ेगा ना। प्लीज़ गाइस, प्लीज़ आप लोग सारे वीडियोस को प्लीज़ एंड तक देखें। इसमें कुछ, हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा, मतलब डबल सेट में एक ब्लू एंड एक सिल्वर आई शेडो ग्लिटर के साथ में, मैंने इसको आई को और ब्लू आई शेडो के साथ मैं इसको पूरा कंप्लीट की हूँ, तो आप अच्छे से देखें। आपने देखा मैं अपने फेस को पहले अच्छे से फेस केयर की हूँ, फेस वॉश, देन टोनर, फिर उसके बाद मॉइस्चराइज़र, और उसके बाद मैंने प्राइमर अप्लाई किया। तो प्राइमर अप्लाई करने के बाद आपने यहाँ तक तो देखा, यहीं तक मैं, मतलब एक्चुअली वो सारी चीज़ मैं इस वीडियो में नहीं डाली हूँ, वो मैं पहले अपना फेस केयर कर ली थी। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के साथ मैं एक गोल्ड का सीरम यूज़ कर रही हूँ, फेस सीरम। अपन ये दोनों को मैं मिक्स करके और अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई की हूँ। फेस और नेक ऑल ओवर में मैंने उसे अप्लाई किया है। देन उसके बाद कॉन्टोर किया है। कॉन्टोर के लिए एक्चुअली क्या हुआ, मेरा एक कॉन्टोर पैलेट वो मिल नहीं रहा था। मेरे पास में एक काफ़ी अच्छा मैंने परचेज़ किया है लिपस्टिक, तो मैं सोची इसे ट्राई करके देखती हूँ। तो मैं इसे ट्राई की हूँ फर्स्ट टाइम है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। अब आप लोग को अच्छा लगा, लगे या ना लगे, वो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देन मैं कॉन्टोर की हूँ, उसके बाद प्राइमर अप्लाई की हूँ। और प्राइमर अप्लाई करने के बाद फिर मैं अब पूरे फेस पे पाउडर अप्लाई की हूँ। कॉम्पैक्ट ही अधिकतर मैं अप्लाई करती हूँ फ्रेंड, तो कॉम्पैक्ट मैं अप्लाई की हूँ। देन उसके बाद मैं अपने आईब्रोज़ को फेल की हूँ, जो कि आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आप लोगों के लिए नई नहीं है। हाँ, कॉन्टोर थोड़ा नया था इस वीडियो में, जो कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। कॉन्टोर और ब्लश, ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा यही सबसे एक्सपेरिमेंट करती हूँ कि थोड़ा अच्छा लगे आप लोगों को। देन मैं अब अपने आई मेकअप पे आ गई हूँ फ्रेंड। तो आप देख सकते हो कि मैं एक ब्लू काजल ले करके और अपने आईज़ के ऊपर में अच्छे से काजल की तरह पूरा अप्लाई की हूँ। तो आप देख सकते हो कि अपर आईलेट पे मैं इनर कॉर्नर से लेके आउटर कॉर्नर तक मैं उसे अच्छे से अप्लाई की हूँ। देन उसके बाद ब्लू आई शेडो ले करके मैं उसी के ऊपर मैं उसको स्मश कर रही हूँ, ताकि वो फिक्स हो जाए। और ये जो मैंने लिया है ना काजल, ये एक्चुअली मैं अभी कुछ दिन पहले ही मंगाई हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा, कम प्राइस में पड़ा मैंने लिया है। इसमें काफ़ी सारे शेड्स हैं, मैं सारे शेड्स एक एक करके वीडियोस में अप्लाई करूँगी, आप देख सकते हो। तो उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लू के बाद मैं यहाँ पे ग्रीन आई शेडो ले करके और उसको आउटर के एरिया में, आउटर एरिया में मैंने उसे अप्लाई किया, आप देखे हैं। उसके बाद मैं इसी पैलेट से, आप ये तो ग्लिटर का मेरा पैलेट, मैं इसको पिछले वीडियो में आप लोगों को बताई भी हूँ कि ये काफ़ी अच्छा है, इसमें सारे शेड्स मिल जाते हैं। देन उसके बाद मैं उससे एक ब्लू शिमरी कलर मैंने लिया है, उसको अप्लाई किया अपने आईज़ पे, इनर को जो आईज़ के बीच में होता है ना, आउटर में नहीं, इनर में भी नहीं, मिडिल एरिया में वो मैंने अप्लाई किया है। देन उसी के जस्ट ऊपर, थोड़ी सी ऊपर में मैंने ग्लिटर में, आप देख सकते हो कि मैंने शिमरी कलर में उसको ले करके, हाँ, तो उसके ऊपर में मैंने एक सिल्वर कलर का ग्लिटर ले करके उसको भी अप्लाई किया है। देन उसके बाद एज़ यूज़ुअल मैंने ये पेंसिल आईलाइनर ले करके उससे विंग्स आईलाइनर अप्लाई किया है, विंग्स
आईलाइनर बनाया है। देन अपने लोअर लैस पे आप देख सकते हो, लोअर आईज़ पे, लोअर लैस पे मैंने ये सेम ब्लू कलर का पेंसिल लेकर के और काजल मैंने इसको अप्लाई किया अच्छे से। देन ब्लू आई शैडो लेकर के उसको अच्छे से स्मश किया है और आईज़ के लास्ट एरिया में, इनर कॉर्नर एरिया में, मैंने आउटर कॉर्नर एरिया में सॉरी मैंने एक ब्लैक का ब्लैक काजल लेके उसको हल्का सा स्मच किया है गाइस। आप देख सकते हो वो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। आई डोंट नो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो या नहीं, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके तो ज़रूर बताएं। देन फाइनल पाउडर कॉन्टोरिंग का आ जाता है, आप देख सकते हो मैंने फाइनल पाउडर कंटूर किया अप्लाई अपने चिक पे। देन उसके बाद गाइस आप लोग पता नहीं क्यों मुझे मैसेज नहीं करते हो, मतलब कमेंट करके नहीं बताते कि आप लोगों को कैसे लग रहा है। शायद हमारे फैमिलीज़ को पसंद नहीं आ रहा है क्या? अगर नहीं भी आ रहा है तो गाइस प्लीज़ बता दिया करो मुझे। देन आप देख सकते हो मैं यहाँ पे ब्लश लेकर के अपने चिक पे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ, नोज़ पे जितने भी मेरे मतलब ओपन पोर्स हैं सारी जगह पे मैंने अप्लाई किया। देन ब्लश लेकर के हाइलाइटर मैं अपने नोज़ एंड जितने भी मेरे हाइलाइट वाले एरिया हैं उस जगह पे मैं इसको अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ, नोज़ पे, फिर ब्राउज़ के नीचे में मैंने अप्लाई किया है, आईज़ के ऊपर। काफ़ी सुंदर लगता है। एक्चुअली मेरे पास में एक पैलेट है, वो काफ़ी बार मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, उसमें मुझे सारे ब्लश मिल जाते हैं, फिर उसमें हाइलाइटर भी काफ़ी सारा है। तो ये आप देख सकते हो ये मैंने ये जो लिपस्टिक अभी अप्लाई किया, ये लिपस्टिक मैं एक्चुअली इसी लिपस्टिक को मैं कॉन्टोर के जगह पे भी अप्लाई किया था और उसी से मैंने ये लिपस्टिक भी लगा करके और उसको भी अप्लाई किया है। तो गाइज आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। दिस इज़ माय फाइनल लुक। अब आप बताएं कि ये फाइनल लुक कैसा लगा आप लोगों को, अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, जो भी लगा हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं यार, मैं भी आप लोगों की फैमिली हूँ तो उतनी भी ख़राब नहीं लग सकती हूँ। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब गाइज। बाय बाय, सी यू।